मामला सामने आया हुशियारपुर तो जिथे फरवरी महीने 17 साल की नाबालिग कुड़ी वालों पुलिस अगे बयान दिता गया सी कि उसके सौतेले पिता वालों उसनु डरा धमका के उस नाल जबरदस्ती की गई है। कुड़ी के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिता सी, पर आरोपी कुछ दिन पहला जमानत से बाहर आया तो दसना बनता है कि जिस कुड़ी ने आरोप लाए सन उस कुड़ी की शक्की हालात में मौत हो जाती है ते उसका अंतिम संस्कार भी कर दिता जाता है। पर इस दरमियान पुलिस को यह सूचना मिलती है कि जिस कुड़ी की मौत हुई है उसकी मौत कुदरती नहीं सगो उसका कतल किया गया है। पुलिस वालों फौरी कार्रवाई करदे कुड़ी के देह संस्कार मगरों उसकी राख को इकट्ठा करके फोरेंसिक जांच लिए भेज दिता गया है ता जो मौत दे असल कारण का पता लग सके। लड़की है भी वो संस्कार घरद ने कर दिता वो बारे असी वेरीफाई किया भी वो घर के सारे सदे आदि घरद ने बयान लिखे है। वो लड़की का ना है गुरप्रीत कौर, वो मदर ना है अमनदीप कौर, तो इतने टिब्बा साहब रेंदे आ वो सारे अं बयान लिख ले तो हम जो अगली कार्रवाई है भी वो अभी रिजल्ट लिख के जोड़ा भी संस्कार किया है जो कोई शक की गल आई तो वह अभी फ्रेंसिंग साइंस जरा अमृतसर भेजा वह सारा जोड़ा है हड्डियाँ कोई भी गल जीत दिखती हुई होर तो नहीं कुछ होया ये सारा जो प्रोसीजर अडोप्ट कर रहे हैं। वो पहला परचा होया हाँ वो कोर्ट में चलता से उन्होंने।